जबलपुर के गोहलपुर वक्फ मोमिन ईदगाह कमेटी के लोगों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय एवं एसपी कार्यालय पहुंचकर कुछ असामाजिक तत्वों के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम में बताया गया कि कमेटी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। व्हाट्सएप, ट्विटर एवं फेसबुक के माध्यम से कमेटी के लोगों के ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने का आग्रह करते हुए एक लिखित ज्ञापन सौंपकर कठोर कार्रवाई करने का निवेदन किया। पूर्व जो है तो हमारी गोहलपुर मोमिन ईदगाह के खिलाफ जो है कुछ शरारती तत्वों को द्वारा यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया कि मोमिन ईदगाह कमेटी में भ्रष्टाचार हो रहा है, जबकि कमेटी में एक मौजूद शख्सियत लोग वहाँ के सदस्य हैं और ये कमेटी मोमिन ईदगाह जो है तो हमारे बुज़ुर्गों की बनाई हुई मीरास है। वक्फ बोर्ड भोपाल से भी रजिस्टर्ड है जिसका के हिसाब किताब मोमिन ईदगाह कमेटी जो है वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है। इसके सारे जो नियम कायदे हैं वक्फ बोर्ड के, उसके नियम के तहत ये काम करती है अपने, और इस पे जो भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं सब बेबुनियाद है, झूठे हैं। वो सारे जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो की जाते हैं ईदगाह के वक्फ बोर्ड के बाईलास के हिसाब से काम किए जाते हैं। इस पे ना किसी तरह कोई वित्तीय हानि पहुंचाई जाती है, उसकी तरफ कोई मिसयूज़ नहीं किया जाता उसको। इस तरह लोग ने कमेटी को अनर्गल इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिससे इसमें बहुत से हैं, चंद लोग हमारे मुझसे बस्ती के ही हैं, जिसमें एक आज़ाद अंसारी, नियाज अहमद मजाद साहब हैं।